सो यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हेप्टा गेमर यूट्यूब चैनल। इट्स मी रेबल कॉम्बैट एंड आई एम ऑल्सो योर होस्ट नाउ। सो आज हम बात करेंगे कई ऐसी सर्वाइवल टिप्स के बारे में जो कि एक आम फ्री फायर प्लेयर को जाननी बहुत ज़रूरी है, जिसको जान के आप एक प्रो को आराम से मार सकते हो। हम प्रो किसे कहते हैं, तो पहले शुरू करते हैं हम प्रो किसे कहते हैं। तो गाइस, जो बंदे ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं गेम पे, या फिर जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गन स्किन्स हो, अच्छे कपड़े हो, और उनको हम प्रो कहते हैं ना। तो गाइस आज देख लो, आज ये मेरा नो गन स्किन है। मतलब मैं यहाँ पे शुरुआत में एक दो गन उठाऊँगा और बीच में ट्रेग्नोव और 887 से खेलूँगा, ठीक है? तो गाइज यहाँ होता ये है कि मैं रैंडम प्लेयर के साथ आया हूँ, तो हम मतलब इतनी ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है, और वो अलग बात है। लेकिन मेरा माइक में भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से कि मैं मतलब मेरा साउंड तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो जो बोल रहा है ना, जो बंदा, उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब जो दूसरा टीममेट है ना मेरा, वो जो बोल रहा है, मेरा टीममेट साउंड रिकॉर्ड नहीं होता। तो उसे वो सब छोड़ते हैं, सर्वाइवल टिप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जो भी गन मिले, शॉर्ट गन मिलती है तो वो बेहतर है भाई, सबसे बेस्ट है। शॉर्ट रेंज गन में शॉर्ट गन मिलती है तो आपके लिए सबसे बेहतर है, वो गन उठा लो। और एक लॉन्ग रेंज गन उठाओ, मतलब शुरुआत में, ठीक है? बीच में फिर अप ओके, तो एक दो किल करो और बाउंटी लूटो वहाँ से अपना। और बाउंटी में अगर AWM निकलता है तो वो गजब की बात होती है। और अगर आप चाहोगे तो हम AWM का टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दे देंगे, ठीक है? तो गाइज हम अभी बात करते हैं कि क्या किया जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुमको किल करने पे फोकस करना होता है और उसके साथ सर्वाइव भी करना होता है एंड तक। तो मैं यहाँ पे पूरा नूबड़ा बन के आया हूँ देखो, और मैं ज़्यादा किल करके भी दिखाऊँगा आप सबको, ठीक है? देखो, पहली बात, जो बंदा डाउन हुआ है, अगर तुमको कोई बंदा डाउन दिखे तो उसको सबसे पहले ख़त्म करो, क्योंकि वो मुफ्त के किल होते हैं। वो तुमको डाउन करके फिर ज़्यादा गोलियां वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ओके? और दूसरी बात, टीममेट अगर कहीं पे डाउन हो जाए तो लॉन्ग रेंज में फाइट लो उससे, क्योंकि बंदे के पास तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम रेंडम में खेल रहे हो और तुमको पता नहीं है कि अपोजिट में जिस बंदे ने तुम्हारे टीममेट को डाउन किया है उसके पास कौन कौन सी गन है। देखो, मुझे यहाँ पे पता चल गया कि वहाँ से फायर हुई और वो बंदा उस साइड को गया, मतलब वो बंदा अभी ख़त्म हो चुका है और उसने अपना बाउंटी भी लगभग लूट ही लिया होगा। तो इसलिए मैं देखने चला गया कि वहाँ कोई बंदा है भी कि नहीं। तो यहाँ पे हमने सीधा ड्रैग लगाया और हेड देके बंदे का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे और एक और ज़रूरी चीज़ भाई, अच्छे से अच्छे बैग ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि बैग है तो ज़िंदगी है भाई। और यहाँ पे मेरे को पीछे से गोली पड़ती हुई सुनाई दी, तो मैं तुरंत कवर में गया, फिर कवर छोड़ के उस बंदे को ढूंढने गया थोड़ी सी दूर, और मुझे वहाँ पे एक बंदा दिखा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने देखा वो बंदा वहाँ पे छुप गया है, तो मुझे पहले पहले तो बंदे को स्पॉट करना था कि कहाँ पे है, फिर उसको दूसरा काम था उसको ख़त्म करना। और जैसे वो स्पॉट हुआ, उसको हमने ड्रैग दिया और ख़त्म कर दिया एकदम मक्खन की तरह। तो किल सिक्योर कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं पे किल कोई और चुरा के ले जाए, कहीं कोई और बंदा हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स देख के आ जाए और किल चुरी करके चला जाए भाई। और फिर मैंने देखा कि उसका दूसरा टीममेट तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ जिन लोगों को मारा था या जिनकी डेड बॉडी पड़ी है आसपास। और जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे किसी के मतलब कोई गोली चलाने की आवाज़ आती है या फिर कोई फुटस्टेप्स आता है, तो मैं वो सब भी देखने निकल लेता हूँ, ठीक है? मैं लूटा यहाँ से, यहाँ पे लूटा, फिर अपना बाउंटी लूटा, वहाँ से मेरे को लेवल 4 का बेस्ट और वो मिल गया, और यहाँ पे साइलेंसर भी मिल गया मुझे, ओके? तो गाइस, जब भी आप मतलब रैंक खेल रहे हो और तुमको सर्वाइव करना हो, तो गाइस साइलेंसर मस्ट है। मतलब जो यूट्यूबर लोग को आप देखते हो, तो वो लोग साइलेंसर यूज़ नहीं करते हैं, मजल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनको
पूरा विश्वास होता है अपने ऊपर कि वो अगर स्पॉट एक बार स्पॉट हो जाए ना तो वो सरवाइव कर सकते हैं, या जो बंदे आएंगे उनको मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हो गया, वो सामने से आ रहा था और मैंने सीधा उसको लगाया हेड और ये ख़त्म। ड्रेगनोब की यही खासियत होती है कि भाई एक ही हेड लग जाए वही काफ़ी है बंदों के लिए। और मुझे यहाँ पे दिखा M82B, तो मैंने बैग चेक किया और मुझे लैंडमाइन दिखा वहाँ पे, तो मैंने लैंडमाइन लगा दिया उसके ऊपर ताकि कहीं कोई बंदा M82B पीछे से आ रहा हो तो M82B ना दिखे उसे और वो लैंडमाइन से भी डैमेज खा जाए। ओके, तो गाइज ऐसे करते करते हम आगे गए, स्कैनर में कोई बंदा नहीं था। और तो यहाँ पे ज़्यादा दूर तक तो कोई फाइट नहीं हुई है, तो मैं बीच का सीन यहाँ पे कट कर देता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज यहाँ पे मैं घूम रहा था और बहुत देर तक कोई फाइट नहीं हुई है, इसीलिए अगर मैं पूरा सीन कट कर दूंगा तो वो मतलब वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ से चालू करना पड़ा फिर से। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम बंदों को मतलब वो कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बंदे दिखे तो उन पे साइलेंसर की वजह से उनको मेरा लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेफ हूँ, तो मैंने अगर एक को डाउन कर दिया होता तो मैं उन पे कंटिन्यूसली फायर कर रहा होता, लेकिन क्योंकि मैंने एक को भी डाउन नहीं किया है इसलिए मैं तुरंत परमानेंट कवर ग्लूवाल नहीं परमानेंट कवर की ओर भागा। क्योंकि परमानेंट कवर में होता क्या है कि ग्लूवाल लगाए तो बंदा बंदे तुरंत स्पॉट कर लेते हैं और M82B से ख़त्म करके चले जाते हैं बंदों को। ठीक है, तो इसीलिए परमानेंट कवर में होता यह है कि एक तो तुम बंदों को दिखोगे नहीं और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब एक तुम मार रहे हो साइलेंसर है, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है बंदों को कि तुम कहाँ से मार रहे हो। और दूसरी यह है कि तुम जिस बंदे को भी मार रहे होगे उसको उसके पास अगर मजल वगैरह होगा तो उसको पीछे से भी डैमेज पड़ेगा, जिस वजह से कि वो ज़्यादा मतलब तुमको किल मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आसपास अगर कोई बंदा होगा और वो मजल लगा के फायर कर रहे हैं बंदे तो तुमको फ़ायदा मिल सकता है इससे कि तुमको किल मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा और एक और बात, जितनी हो सके उतनी ग्लूवाल अपने पास रखो, अपने पास जितनी हो सके उतनी ग्लूवाल रखो, क्योंकि ग्लूवाल एक ऐसी चीज़ है कि इस गेम में जितनी हो उतनी कम है, समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे कोई फायर कर रहा था, मैं उसे स्पॉट नहीं कर पाया और मुझे पीछे से डैमेज पड़ा, तो मैंने तुरंत ग्लूवाल बनाया और वो प्लेस छोड़ दिया, क्योंकि शायद M82B वगैरह हो या कुछ हो। तो यहाँ पे मेरे को सामने भी एक और बंदा दिखा, तो मैंने देखा कि वो बंदा शायद डैमेज होगा तो ग्लूवाल लगा रहा है, ग्लूवाल लगा के हील कर रहा होगा, और मैंने खुद को हील कर लिया और उसको 105 का डैमेज दिया। ड्रिगनोब का होने का यही फ़ायदा है कि सही शॉर्ट रेंज में भी हो ना तो बंदा ख़त्म हो जाता है। और गाइस आपके सामने वाले बंदे के पास अगर कोई स्किन है तो आपको डरने का नहीं है, मतलब आपके पास गन है उसके पास भी गन है, हाँ उसके पास थोड़ा रिलोड स्पीड ज़्यादा हो सकता है या रेट ऑफ फायर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मार तो दोनों एक ही टाइप के सकते हो ना। और यहाँ पे मुझे ऊपर से डैमेज पड़ा, एक बंदा यहाँ पे आ रहा था सीधा दुबक के, मैंने ग्लूवाल लगाया, वो भी ग्लूवाल लगा के चुप गया, मैं परमानेंट कवर की ओर भागा क्योंकि शायद M82B वगैरह हो तो मेरे को ग्लूवाल के पीछे मार सकता है वो बंदा, और उसके टीममेट ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। और यहाँ पे मैं खुद के फायर करने लगा पर फायर का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा था ग्लूवाल जितनी ज़्यादा हो ना उतनी कम है। कितना ग्लूवाल वेस्ट हुआ यहाँ पे, मेरे पास 6 थे अभी 2 बच गए, मतलब 4 तो यू ही फाइट में ख़त्म हो गए है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मतलब
बहुत ओपी गेम जाता है, ठीक है। और ग्रेनेड, एक और चीज़, हुक करके ना ग्रेनेड अगर तुम मारते हो तो बंदे को आराम से डैमेज पड़ेगा। और देखो उस बंदे ने हुक नहीं किया था इसलिए मैं चौकन्ना हो गया और कॉबर में चला गया जल्दी से, ठीक है। और एक और बात, जब भी फाइट चल रही हो ना, मतलब कोई बंदा किसी और को मार रहा है, उसको मारो जल्दी से, ठीक है। उन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। मैंने नेड किया, मैंने देखा डैमेज बढ़ा और उसको ख़त्म कर दिया गया एक और बंदे के द्वारा, ठीक है। तो गाइज मैंने देखा मेरे पे ग्लू वॉल भी नहीं है। तो गाइज मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ग्लू वॉल तो ज़्यादा है नहीं, तो मैं कवर में भागा। फिर मैंने एक बंदे को स्पॉट किया, उसको थोड़ा डैमेज दिया और फिर से कवर में भागा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इधर दो बंदे और आके मेरा पीछे से फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा दो बंदे और भी आ गए हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो सैंडविच बन जाएगा, दूसरा अगर एक को भी मैंने डाउन कर दिया या ख़त्म कर दिया तो किल चोरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब किल चोरी होता है ना भाई, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। तो गाइज यही था आज के लिए। और एक और बात, आप ना क्लास स्क्वाड खेलो और अपनी ग्लू की स्पीड, मेन ग्लू लगाने की जो स्पीड होती है ना, उसे आप बढ़ाओ, ठीक है। आप उस ग्लू लगाने की स्पीड को अगर आप बढ़ा लोगे तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आगे गेम प्ले में देखिए, मैं आपको ठीक से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने देखा था वहाँ पे ऊपर की साइड बंदे थे और वो उस साइड जा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे स्कोपिंग किया, कोई एम नहीं गया मेरा। मतलब डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, बंदा आसपास भी होता है तो उस पर एम ले जाता है, तो कोई एम नहीं गया मेरा उसके ऊपर। मैं थोड़ी देर देखा और देखा कि वो जगह तो जोन के बाहर हो गई है, वहाँ पे एम भी नहीं, मतलब कोई बंदा भी नहीं रहेगा। और फिर देखा कि सामने ही वो दो बंदे थे, ठीक है। तो इस बंदे ने ग्लूवा लगा दिया और वो बंदा टेरेन का कवर ले रहा था। गाइस एसी टेरेन का कवर कभी मत लेना। इस बंदे ने नेड किया पर मैं इसकी ओर जा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा बच गया उससे। और देख रहे हो ग्लूवाल, इसे स्पीड कहते हैं ग्लूवाल के लगाने की। उसका ग्लूवाल ख़त्म हो गया। और भाई मारने के बाद ना तुरंत स्प्रिंट करो, क्योंकि बंदे के पास MP40 होगा और तुम्हारे पास दो गोली वाली शॉटगन, तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बंदों का, समझे। एक बार रिलोड में आ जाए ना तो तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते बंदे का। और देखो वहाँ पे भी फाइट चल रही थी तो मैंने फाइट का फ़ायदा उठाया और ये मार दिया उस बंदे को सीधा हेडशॉट, क्योंकि मेरे पास साइलेंसर है तो मेरी पोजीशन भी ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं हुई। और वहाँ पे भी कुछ और बंदों की फ़ाइट चल रही थी तो मैंने वहाँ पे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और फ़ायदा उठा भी लिया मैंने। और यहाँ पे मेरे हो चुके हैं टोटल 11 किल्स। तो देख रहे हो सर्वाइव करके भी मैंने 11 किल उठा लिया आराम से, मतलब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। तो मुझे वहाँ से भी डैमेज पड़ा तो मैंने कवर लेने का सोचा अच्छा सा, और देखता हूँ कि वहाँ पे ही बंदे हैं। और भाई देख रहे हो किसी और ने किल चुरा लिया मेरा स्कार से, उसका टीममेट वहाँ पे भाग के गया। मैंने देखा उसको थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास दवा था इसलिए उसके बैक में लगा सारी गोलियाँ। और गाइस बंदे से ना जितना हो सके उतना लॉन्ग में फाइट लो, क्योंकि लॉन्ग में बंदे को मारने के चांसेस जो होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं परमानेंट कवर के पीछे आ रहा था तो मैंने देखा कि भाई जोन तो मेरे ही पास है, उस बंदे को आना पड़ेगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भागा। उसी समय उस बंदे ने भी मुझे स्पॉट कर लिया और डैमेज दे दिया, तो मैं उसे मारने के लिए आगे पीछे हुआ। फिर कहा छोड़ो उसको जोन में आने दो, पूरा ओपन में आने दो, तब मारूंगा, ठीक है। तो वो बंदा अंदर जाके थोड़ा हील कर रहा था और मैंने क्या किया ना, वहाँ पे सामने थोड़ा आगे जाके ग्लूवाल डाल दिया बंदे को कंफ्यूज करने के लिए। और जैसे ही वो बंदा बाहर निकल के आया, उसे सीधा हेड मार के ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है गाइस। तो सरवाइव करने का एक मतलब फ़ायदा होता है कि ज़्यादा किल मिल जाएंगे और आपको वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं,
रैंक पॉइंट कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन गाइस क्योंकि आप सर्वाइव करके खेल रहे हो तो इसीलिए मतलब वो हो सकता है आपका कट सकता है चूतिया, लाइक नहीं करेगा कोई। और मतलब सर्वाइव करके खेल रहे हो ना तो कोई लाइक नहीं करने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि गाइस अगर आपको मेरे साथ मतलब रैंडम प्लेयर के साथ जो गेम प्ले मैं करता हूँ उसका रिएक्शन वीडियो चाहिए तो गाइस डू कमेंट डाउन। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कुछ और चीज़ों के बारे में टिप्स चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख के आप हम सबको बता सकते हो। तो हम यहाँ पे जितने भी बंदे इस चैनल पे काम करते हैं वो आप सबको हेल्प करने की पूरी से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप ही लोगों की वजह से ये चैनल है, आप ही लोगों के लिए ये चैनल है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आप देख रहे हो प्लीज़ उसे शेयर कर दो। और शेयर करने के साथ लाइक भी कर दिया करो क्योंकि मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग यूं ही मतलब प्रोग्रेस करें तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो हमारा चैनल। और जो बंदे उड़िया में और या जो बंदे उड़ीसा से हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं उड़िया में, उसके लिए हमारा एक चैनल है हेप्टा गेमर ओडी, आप उसमें जाके देख सकते हो उड़िया में सारे वीडियोस। और क्या, और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आप कैसे खेल सकते हो, खेल ही नहीं सकते, हमारा इतना बड़ा चैनल तो है नहीं। तो जल्दी से इस चैनल पे आप 400K कंप्लीट करा दो सब्सक्राइबर्स जल्दी से। बस 400K पे हम सब लोग जितने भी खेलते हैं ना उन सबको वो हम इनवाइट करके बोलेंगे कि हम आप सबके साथ खेलना चाहते हैं। तो गाइस बस इतना ही कहना था। इट्स मी रेबल कॉम्बैक्ट आउट।